गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायोलॉजी क्लास। इन माई लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द ब्रीथ ऑफ द लाइफ, दैट वॉज एयर, एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टेम्परेचर। सो टूडेज टॉपिक इज विंड। ओके, सो हाउ द विंड फॉर्म्स। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर इज नोन एज विंड। मीन्स जब एयर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है तब उसको विंड कहते हैं। हॉट एयर राइजेज अप क्रिएटिंग अ लो प्रेशर रीजन एंड कूल एयर सिंक्स डाउन। हॉट एयर, जो गर्म हवाएं होती हैं, वो ऊपर की तरफ जाती हैं जिससे कि एक लो प्रेशर रीजन बनता है, एंड कूल एयर सिंक्स डाउन, और ठंडी हवा नीचे की तरफ मूव होती है, क्रिएटिंग अ हाई प्रेशर रीजन। सो विंड ब्लो बिकॉज एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। विंड हमेशा किस तरफ को ब्लो करती है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ। सो लैंड वाटर एंड एयर गेट हीटेड अप एट डिफरेंट रेट्स। लैंड वाटर और एयर मीन्स जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, वो और पानी और हवा अलग अलग रेट पे गर्म होते हैं जब सनलाइट होती है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन द वाटर एंड एयर। जो धरती है वो, जो लैंड है, वो जल्दी गर्म हो जाती है इन कंपैरिजन टू वाटर एंड एयर। दस इन कोस्टल एरिया अ सी ब्रीज ब्लो व्हेन कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग द डे। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें दिन के टाइम पे क्या होता है, जो सी ब्रीज है, मतलब हवाएँ जो हैं, वो सी ब्रीज ब्लो व्हेन कूल एयर फ्रॉम द सी मूव टुवर्ड द लैंड ड्यूरिंग द डे। मतलब समुद्र से लैंड की तरफ सी ब्रीज मूव होती है, मतलब एयर मूव होती है। एंड अ लैंड ब्रीज कब कहलाती है, व्हेन कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी एट नाइट। रात में लैंड से सी की तरफ, समुद्र की तरफ मूवमेंट करती है। तो सी ब्रीज क्या है, व्हेन कूल एयर इज मूव टुवर्ड्स द लैंड from the sea, and in the land breeze cool air comes from land to sea. So this is all about the wind. Now comes upon the rain and how the rain is formed. The rain forms due to the temperature difference at different heights in the atmosphere. Rain कैसे बनती है, temperature difference से बनती है। different heights पे जब atmosphere different temperature होता है atmosphere में, तब rain का formation होता है। और कैसे बादल बनते हैं और कैसे रेन बनती है। सो पहला स्टेप क्या है, जो वाटर वेपर है, वाटर जो हमारा रिवर्स में या पॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है, वो पहले क्या बनता है, वेपर बनता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड। देखो फर्स्ट स्टेप देखो, द हीट ऑफ द सन कॉज वाटर टू इवेपोरेट फॉर्मिंग वाटर वेपर, द हेयर हीट अप टू विच मूव द वेपर अप। मतलब जो पानी है जो गर्म होके वो भाप बनाता है, और भाप ऊपर की तरफ मूव होता है। एज द वाटर वेपर राइजेज इट्स कोलाइड विद डस्ट पार्टिकल और एयरोसोल नोन एज द न्यूक्लियस। और जैसे जैसे ये वाटर वेपर ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसमें डस्ट पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं, तब इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। थर्ड प्रोसेस क्या है, एज द वाटर वेपर राइजेज फर्दर इट एंटर एट अ पार्ट ऑफ द एटमोसफियर वेयर द टेम्परेचर इज लो। दिस कंडेंस द वाटर वेपर ऑन द न्यूक्लियस टू फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे ये ऊपर की तरफ मूव जब होता है और एटमोसफियर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसमें इसका कंडेंसेशन हो जाता है, जो वाटर वेपर है वो ठंडी हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू फॉर्म क्लाउड। बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स मिलकर क्लाउड बना लेती हैं। व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट्स टू हैवी दे फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। और जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में कंबाइंड होके, तब ये रेन के फॉर्म में अगेन लैंड पे वापस आ जाती हैं। सो इस तरीके से रेन बनती है। रेन बनती कैसे है, लैंड के पानी से बनती है, जब वेपराइज फॉर्म में पानी ऊपर की तरफ बढ़ता है, और फिर जब क्लाउड बन जाते हैं तो अगेन वही पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आ जाता है, रेन के फॉर्म में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर अंडर लिक्विड। वाटर देखो, हमारे जो लैंड है, हमारी अर्थ है, उसका 70% एरिया वाटर कवर करा हुआ है। इट कैन बी कैटराइज एज सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। दो तरीके का वाटर होता है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। फ्रेश वाटर जिसमें जो सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होता है, और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा होता है, नमक ज़्यादा होता है। तो 97% ऑफ द टोटल वाटर इज सॉल्ट वाटर। 70% जो अर्थ का सरफेस है, 100% में से 70% जो है वो पानी है, उस 70% में से भी 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, 3% जो है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश
फ्रेश वाटर कहाँ पाया जाता है? रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, आइस कैप्स में और अंडर द ग्राउंड। मैराइन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव इन सॉल्ट वाटर, हाउएवर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड सम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फ्रेश वाटर टू सर्वाइव एज देयर बॉडी डू नॉट हैव द एबिलिटी टू रिमूव हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। जैसे कि कल बताया भी था मैंने तुम्हें लाइव क्लास में कि कुछ एनिमल्स या कुछ फिशेज जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं और कुछ जो एनिमल्स होते हैं या फिर फिशेज जो होती हैं वो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। तो जो फिशेज सॉल्ट वाटर में रहती हैं वो उसमें रहने के लिए अडेप्टेबल होती हैं, मीन्स क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है नमक का, सॉल्ट्स का, तो उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी उन फिशेज में होती है। तो जो फ्रेश वाटर में रहती हैं वो मैराइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती और जो मैराइन में सर्वाइव करती हैं वो फ्रेश में नहीं कर पाती। द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन आउटलाइन बिलो। क्या क्या हम जैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, पानी पीने के काम आता है, हमारे हाउस होल्ड वर्क में काम आता है, इरीगेशन में काम आता है, प्लांट उसको यूज़ करते हैं, फोटोसिंथेसिस वाटर की हेल्प से ही होती है। तो बहुत सारी प्रोसेस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम वाटर का यूज़ करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, फोटोसिंथेसिस में पानी की ज़रूरत है। तुम्हारे जो भी कॉम्पोनेंट हम लोग खाते हैं वो सब लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक हमारी जो बॉडी है बॉडी में लिक्विड फॉर्म में बनता है, तो वो पानी की हेल्प से ही बनता है। इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन एंड मिनरल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर सपोर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 50-80% ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ फाउंड इन द ओशियन। मतलब बहुत सारी वाटर बॉडीज जो हैं, वाटर मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी पर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए। फिशेज़ हैं तो फिशेज़ तो जो मेनली हमारी पानी में पाई जाती हैं, तो वो क्या है, फिश जो हैं वो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, उनके सर्वाइवल के लिए, उनकी बायोडाइवर्सिटी के लिए। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर ह्यूमन, फॉर ह्यूमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल पर्पज। वाटर हैज़ टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटर। द वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। थर्ड टॉपिक इज सॉइल, मिनरल रिचेज इन द सॉइल। लिथोस्फीयर द आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ, माउंटेन स्टोन्स एंड सैंड सॉइल्स एंड रॉक्स इन द सी बेड आर ऑल द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। द लिथोस्फीयर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ प्लांट, ह्यूमन एंड अदर एनिमल। जो लिथोस्फीयर है जहाँ हम लोग रहते हैं, जो लैंड वाला एरिया है, वो सबके लिए ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंड जो है जहाँ पे हम सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ है, ठीक है। अर्थ जो है वो बायोस्फीयर का पार्ट है या फिर लिथोस्फीयर जिसको हम कहते हैं। तो हम लोग सब कुछ जो है हम अर्थ पे ही रहते हैं, तो प्लांट हुआ, एनिमल हुआ या ह्यूमन बींग्स हुए, वो सबको लिथोस्फीयर की नीड होती है, सॉइल की नीड होती है। सॉइल का कंपोजिशन, वॉट इज सॉइल कॉम्पोजिशन, दिस विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस क्लास। सो इफ देर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड मार्क योर अटेंडेंस ऑल्सो। थैंक यू।